नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे स्लीव्स की डिजाइन जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये स्लीव की डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी है तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना भूलेगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी और मेरी कोई डिजाइन ड्रेस या ब्लाउज को आप देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। वीडियो क्लास तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये डिजाइन समझ में आएगी। तो देख लीजिए मैंने आस्तीन को कट कर दिया है। मैं आपको इस पर डिज़ाइन का मार्क करके दिखाती हूँ। तो मैंने आस्तीन की जो लंबाई रखी है वो 4.5 इंच है और जो है इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। अब चलिए मैं इसको आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे इसके ऊपर, तो मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। वीडियो में आप देख लीजिए मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ इसका। तो मैंने देखी नीचे के साइड से एक मार्क किया, अब ऊपर के साइड से हम डिज़ाइन का मार्क कर रहे हैं। तो वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ इसको, ऐसे आपको भी करना है। तो मैंने टोटल देखिए पूरा जो है इस पर मार्किंग कर दी। अब इसमें हमें कटिंग करना है। नीचे के साइड का जो मैंने मार्क किया था उसको हम कट कर देंगे और ऊपर के साइड कैसे ही रहने देंगे। अब मैंने देखिए ये कपड़ा ले लिया, अब इसको भी सेम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कट कर दिया, अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो अच्छे से अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए स्टिच कर दिया, अब इसमें हम कट्स लगा लेते हैं। अब इसे कट्स लगाने के बाद हम उलट कर सीधा कर लेंगे। तो मैंने ये देख के सीधा इसे कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बनाते हुए हम पूरा सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से, तो हमें आगे का डिज़ाइन करने में आसानी रहेगी। तो ये देख लीजिए मैंने सिलाई लगा ली है डिज़ाइन पे। अब इसकी हम जो ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने पूरी स्टिचिंग कम्प्लीटली इसकी कर दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उसे कट करके निकाल दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने फैब्रिक को कट करके निकाल दिया। अब आगे के साइड से जो हम डिज़ाइन करेंगे, तो पहले देखिए मैंने डिज़ाइन जो किया था उस पर हम मार्क कर लेते हैं। तो मार्क को हम डार्क कर देंगे तो इससे हमारा दूसरे साइड से भी मार्क आ जाएगा। हाथों के साथ थोड़ा सा इस पर प्रेस कर दीजिएगा तो आगे की साइड भी मार्क आ जाएगा। फिर वहाँ से हम मार्क पर जो है फिर से निशान लगा देंगे। ये देख लीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ऐसे आप भी कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी बनाने में डिज़ाइन। तो मैंने इस साइड से मार्क कर दिया। नीचे के साइड से पाइपन करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया, ये ऑलरेडी देखिए तिरछे में कट है कपड़ा। इसी तरीके से हम क्रॉस कटिंग में कपड़ा देखिए कट कर लिए, इसको हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। अब मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके जो पूरा स्टिच कर, तो हमें पाइपन बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा इसकी स्टिचिंग डबल फोल्ड करके कर ली है। अब चलिए मैं इसको ब्लाउज आस्तीन के साथ में इसका पाइपन कर लेते हैं। तो इसको हम देखिए स्टिच कर देते हैं। तो जितना आपको चौड़ा या फिर पतला पाइपन बनाना हो उतना ही स्टिच कीजिएगा फैब्रिक को, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो इसे उलट कर सीधा करके स्टिच किया है आस्तीन को। तो ये देख लीजिए मैंने जो है फैब्रिक को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है पाइपन वाले। अब इसको हम गोल करते हुए पूरा पाइपन बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको पाइपन बना के दिखा देती हूँ। तो वीडियो को आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाए कैसे मैं पाइपन इसका बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पाइपन बना ली है आस्तीन पे। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक पट्टी ले लेंगे। ये देखिए मैंने ये पट्टी कट करके ले ली है। अब जो मैंने मार्क किया था उसके ऊपर से हम थोड़ा सा रख इसे प्रेस कर देंगे तो उसका मार्किंग सेम पट्टी पे भी आ जाएगा। तो उसको हम डार्क कर लेते हैं मार्क को, फिर उसी जगह से हम कट कर देंगे। ये देखिए पट्टी पे मार्किंग मैंने कर ली है, अब इसको हम कट कर लेते हैं उसी डिज़ाइन में।
थी, मैंने देखिए उसी डिज़ाइन में सेम कट कर दिया है पट्टी को। अब देखिए मैं आप इसको दिखा देती हूँ। अब नीचे के साइड से जैसे मैंने गोल करके कट किया वैसे कट कर लेते हैं, तो मैं आस्तीन को रखते हुए सेम वैसे ही हम नीचे के साइड से कट कर देंगे। ये देख लीजिए इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम आस्तीन पे रख देंगे। थोड़ा सा देखिए बीच में मैं गैपिंग देते हुए इसको रख रही हूँ आस्तीन पे, ऐसे आप भी कीजिएगा। अब इसको हम स्टिच कर देंगे। ये देख लीजिए एक साइड से मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। इस साइड से जो ऊपर साइड देखिए मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया इसको कट करके। अब इसको भी हम स्टिच कर देंगे ऊपर के साइड से भी। तो ये देख लीजिए दोनों साइड से मैंने कम्प्लीटली स्टिचिंग इसकी कर दी है। अब मुझे सिर्फ डिज़ाइन बनाना है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं और नीचे की साइड लगाने के लिए डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। तो मैंने देखिए स्क्वायर साइज में दो कपड़े ले लिए हैं। तो देख लीजिए मैं कैसे इसका डिज़ाइन बना रही हूँ, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ क्लियर, आप वहाँ से देख लीजिए और सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। तो एक देखिए मेरा बन चुका है, बस इसको हम धागे से बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। तो ये देख लीजिए मैं दूसरा भी कम्प्लीटली बन चुका है, धागे से हम इसको भी बांध लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करके निकाल दीजिएगा। मेरे दोनों डिज़ाइन कम्प्लीट है। इसी तरीके से देखिए मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। अब इसको हम जो आस्तीन के साथ में डेकोरेशन करेंगे इसका, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से हम आस्तीन के साथ इसको डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन बताऊंगी। तो देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन को लगा रही हूँ आस्तीन के साथ में, ऐसे आपको भी करना है। ये देखिए एक साइड से मैंने डिज़ाइन को लगा लिया, एक साइड में मैं 5 रख रही हूँ डिज़ाइन, या फिर 6 ले लीजिएगा। तो बीच का 2 छोड़ के एक साइड से 5 है और बीच का 2 अगर लेंगे तो एक साइड से 6 होगा। तो ये देखिए मैंने डिज़ाइन को अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। अब मैं लेस के साथ इसको डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैं कैसे लेस लगा रही हूँ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ऐसे लेस लगा दीजिएगा डिज़ाइन पे और जहाँ से कॉर्नर हो वहाँ से आप फोल्ड करते हुए लेस को लगाइएगा। तो ये देख लीजिए एक साइड से मैंने लेस को स्टिच कर दिया, दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने दोनों साइड से लेस को अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब नीचे के साइड से हम लेस को लगाएंगे जहाँ से हमने डिज़ाइन की है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं कैसे यहाँ से लेस को लगा रही हूँ, ऐसे आपको भी लगाना है। तो यहाँ से जो है जहाँ से हमने थोड़ा सा डीप किया है वहाँ से देखिए कॉर्नर कर लीजिएगा लेस को फोल्ड करते हुए, तब ये डिज़ाइन अच्छी दिखेगी। ये देखिए मैंने पूरा लेस लगा दिया डिज़ाइन पे, थोड़ा सा डिज़ाइन बाकी है मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। तो मैंने स्क्वायर साइज के देखिए 3 कपड़े लिए हैं। अब इनको मैं फोल्ड करके डिज़ाइन करूँगी। तो मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इनको हम फोल्ड करते हुए एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके स्टिच करेंगे। तो चलिए हम पूरा फोल्ड कर लेंगे, एक बाकी है इसको भी मैं फोल्ड करके बिल्कुल बराबर में रख देती हूँ और इसको भी स्टिच कर देंगे डिज़ाइन के साथ में। तो दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे डिज़ाइन पे। तो दोनों साइड से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है डिज़ाइन पे, एक साइड से और लगा लेते हैं, दोनों साइड से कंप्लीट हो जाएगा सिलाई। अब देखिए अब इसको हम जो है आस्तीन के साथ में स्टिच करेंगे। तो किस तरीके से स्टिच किया जाएगा वीडियो में आप देख लीजिए।
ये देख लीजिए, मैंने आस्तीन के साथ में डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। मेरी आस्तीन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये आस्तीन की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को परचेज करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।